ज्यादा लोगों का घर बनता है, अब तो ऐसा टॉयलेट वगैरह बनने लगा है। तो ये है ओ माय गॉड, ये एरिया, ये देखिए ये पार्ट, इस पार्ट जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। तो आज हम आपको गुप्तार घाट में नया पार्क बनाया गया है उसको दिखाएंगे, और भी चीज़ें बनाई गई हैं उसको भी एक्सप्लोर करूंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ठीक हमारे सामने वो जो रास्ता गया हुआ है इधर से भी आप गुप्तार घाट की ओर जा सकते हैं। तो चलते हैं ये नए वाले पार्किंग एरिया के अंदर और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर बनाया गया है, ये क्या है भैया, डिसेबल्ड ही शी टॉयलेट है दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत टॉयलेट बना, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार अब तो उम्मीद नहीं होता है, ज़्यादा जैसा लोगों का घर बनता है अब तो ऐसा टॉयलेट वगैरह बनने लगा है। देख सकते हैं अब ये वाटर एटीएम, इस साइड पुरुष इस साइड महिला, वाटर एटीएम यहाँ लगेगा, अभी लगा नहीं है। ट्रांसजेंडर, थोड़ा सा देखते हैं अंदर क्या चीज है। ये देख सकते हैं यहाँ में कितना खूबसूरत बनाया गया है, ये देखिए ये पार्ट, इस पार्ट को देखिए कितना खूबसूरत, एक नंबर। बहुत सही यार। तो ये है अयोध्या का विकास, काफी तेजी से विकास हो रहा है, और ये पेंटिंग वगैरह लगाई। एक बार इधर चलते, हम तो सी वाले कहते ही वाले में भी आपको दिखाते हैं, ये गुप्तार घाट की पेंटिंग यहाँ लगी हुई है, और यहाँ ये वॉल लाइट। तो ये है ओ माय गॉड, ये एरिया तो मैंने दिखाया है नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये काफी खूबसूरत, ये पंखे वगैरह लगे, लाइटें देखिए बहुत सुंदर, एक नंबर का काम भाई। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं पानी आएगा कहाँ से, तो देखते हैं दवा के पानी। अरे वाह, ये देखिए यहाँ पे काफी सुंदर व्यवस्था की गई है। चलते हैं उस साइड, दिखाते हैं और क्या है कैसे है। मजा आ गया भाई ये वाला पार्ट देख के, और इस साइड ये गुप्तार घाट मंदिर, और इधर से गुप्तार घाट जा सकते हैं। अरे इधर तो बंद है भाई, अच्छा नहीं है तो रास्ता, और करते हैं यहाँ बाइक पार्क, उसके बाद चलते हैं तब आपको दिखाते हैं। एक बार तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि किस जगह आ गए हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये बड़ी सी लाइट लगी है ताकि रात वगैरह में। तो ऐसे तमाम मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो कि हर जगह अयोध्या की वीडियो डालते रहते हैं, और ये सारी दुकानें जो ये भाई लोग यहाँ पे खोले हैं, इन लोग को इधर अलॉट हो जाएगी, मतलब जो भी वो उसका क्या बोलता है फॉर्म वगैरह भरा जाता है, ये गेट खोल दिया जाएगा। गाड़ी छाँव में खड़ा कर दिया, धूप में जा नहीं रहे हैं, गर्मी में क्या हाल होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पार्क के अंदर, और पार्क में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई गई हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये है दोस्तों पार्क, देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क, ये पत्थर लगाए गए हैं कितने प्यारे प्यारे पत्थर, ये पेड़ देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत। मतलब कि जिसे कोई उम्मीद ही नहीं है कि गुप्तार घाट इतना अच्छा बन जाए, किसी को उम्मीद नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा सरकार का इस पर पैसा खर्चा हुआ है, आपको देख के लग ही रहा होगा।
पूरा मैंने आपको गुप्तार घाट दिखाया। ये देखिए कितना अच्छा, ये बांस के छोटे छोटे पौधे जो कि आने वाले टाइम में बड़े हो जाएंगे। अभी तो कोई दिख नहीं रहा है गर्मी की वजह से, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। और ये बीच में क्या चीज़ है भाई, बीच वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं यार, सही है यार, यहाँ पे बैठ के ये थोड़ा सा अपना प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्थडे वगैरह मना सकते हैं, छोटी सी मेज वेज रख के, मगर हाँ सफाई का ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि गंदगी मचानी है। ये देखिए यहाँ पे ये कितने अच्छे, ये सब देखिए कितने प्यारे बनाए गए हैं। ये आंवले के पेड़ लगे हुए हैं कितने अच्छे अच्छे रात का भी एक वीडियो इसका बनाऊंगा भाई, बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इस साइड पूरा बांस लगाया गया है, मतलब इसके पीछे भी किसी का माइंड है कि हाँ किस जगह पे कौन सा पौधा लगेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ जो मन में आए वो, ये सब घास देखिए, ये सब घास मतलब लगाई गई हैं, नेचुरल वाली घास नहीं है। और ये देखिए दीवार पे कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पे। तो गर्मी में भैया आपको यही एक सलाह दूंगा, दोपहर वगैरह में मत आइएगा, शाम को आइए, सुबह में आइए, जॉगिंग करिए, इंजॉय करिए, और गंदी हरकत करने से बचिएगा, किसी की नज़र में मत आइएगा, चार गाली दे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी तो कुछ हुआ नहीं, हमें लग रहा है कमल का फूल वगैरह इसके अंदर रहता है, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, मगर अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा बहुत ही जल्दी। पूरा ख्याल रखा जा रहा है भैया, ये सारी चीज़ें ठेके पे दी गई रहती हैं कि इसका देख रेख करिए। और यहाँ ये देखिए, यहाँ की वीडियो अगर सबसे अच्छी आएगी तो बरसात के टाइम में, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एकदम साफ सुथरी नज़र आएंगी। ये आंवले का पेड़ यार कितना तेज बैठ गया, ये नहीं समझ आप, फिर ये पहले से था, हमें तो लग रहा पहले से। ये पार्ट देखिए, यही है ओपन जिम, काफ़ी अच्छा है, जो कि इधर के लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये देखिए टर्न हो रहा है, ये देखिए ये सब सारे पार्ट कितने अच्छे हैं। इस समय क्या एक्सरसाइज करे भाई, इस पे कुछ समझ में, ये कैसे वर्क करता है, नहीं पैर फंस। अभी तो धूप है, शाम को आता हूँ, एक दिन इसकी वीडियो अच्छे से बनाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत पार्क बनाया दोस्तों, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इस पार्क की आपको दिखा दी है, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं। ये देखिए जलवा, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप आइए तो बहुत ही इज्जत से इन सारी चीज़ों को यूज़ करिएगा। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। ये पार्ट देखिए, यहाँ पे अगर जैसे बैठना है साफ़ सुथरा करके, आप बैठिए, इंजॉय करिए, गंदगी मत करिए। ये देखिए भैया पानी यहाँ पे छींक रहे हैं, करीब देखिए कै बज रहे, 11 बज रहा है, और इतने धूप में भी ये बेचारे काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि साफ़ सुथरा रखिएगा। ये बगल में रोड जो भी मैंने आप दिखाई है बाहर से, और ये सारी लाइटें रात में जलती हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। अभी मैं पूछता हूँ उन लोग से, भैया से, कै बजे खुला रहता है। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ भी, देखिए यहाँ से दिखा रहा थोड़ा सा, वो भैया आके देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। धन्यवाद कहना चाहूँगा भैया अपने योगी जी को। तो दोस्तों ये था गुप्तार घाट का पार्क, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और
भी अभी काम बाकी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहते हैं तो टाइमिंग का कोई वो नहीं है, आप आ सकते हैं। बेसिकली आप सुबह में आइए, शाम में आइए, वो टाइम सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो अभी ये कुर्सियाँ वगैरह देखिए बनने के लिए रखी हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। और पार्क काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। और अगर आप आइए तो इस सफाई का बेशक ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।